माय हीरो एकेडमी का सीजन 6 खत्म हो चुका है और इस पे अब रिव्यू बनाने जा रहा हूँ। मैं इसका मांग ऑलरेडी पढ़ के रखा था और मैं सोचा इसका स्टार्टिंग में रिव्यू बना देता हूँ, बट नहीं, इसको पूरा खत्म होने का वेट किया ताकि एनीमे देखने के बाद रिव्यू बनाऊं। एंड इस बार का एक्सपीरियंस पहले से अच्छा गया है, क्योंकि पहले का जो सीजन था उसमें उतना मजा नहीं आ रहा था कहीं ना कहीं, बट इस बार मजा आया भी और नहीं भी। इस सीजन में जिस तरीके से हम लोग को हीरो विलन की दोनों की साइड दिखाई जा रही थी, इसको उन लोगों ने एकदम ग्रे साइड में ला के रख दिया था। माना हम लोग को पता है ऑलरेडी कि इविल एक्चुअल में है कौन, बट फिर भी जो हीरोज लोग कांड करते हैं जब वो सब कुछ रिवील होता है, वो एक प्रकार हिट होता है। माना सब कुछ 13+ था बच्चों के लिए, ना कि बॉयज की तरह। काश अगर होता तो ये लोग और भी ज्यादा हम लोग को इस चीज को ज्यादा अच्छे से दिखा सकते थे, जैसे कि जब हॉक ने जिन को किल किया वो वाला सीन, कि ये हीरो के साइड या विलन के साइड या फिर क्या करना नेसेसरी है। उसके बाद जब डावी का रिवील होता है, हम लोग ऑलरेडी पता है कि नंबर वन ने क्या क्या कांड करके रखे, बट उसके बाद ये वाला रिवील इसको और भी ज्यादा हाइप करने का काम कर रहा था। और वही बैकग्राउंड में चलते हुए नोमिस की उस हीरो से फाइट, दैट वाज एपिक। हाथ पैर दोनों टूट चुके, उसके बाद भी रुकना नहीं है, कंटिन्यू लड़ते रहने का है। जो हम लोग हीरो विलन के फाइटिंग के साइड दिखाई जाती वो इनसेन था, बट उसके बाद शिकाराकी का वापस से जिंदा हो जाना और वहां से जिस लेवल पे जाती है सीरीज, तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा हम लोग का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और भी ज्यादा हाइप में जा रही थी। और नंबर 3 का वापस से आ जाना, ये मांगा पड़ता टाइम नहीं सोच के रखा था मैंने, बट हाँ काफी ज्यादा मजा आते जा रहा था। कि इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मेन वॉर आर्क नहीं है, जो भी मेन वॉर है इसके बाद के सीजन में स्टार्ट होगा। ये सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है जो भी कांड होने वाला है आगे चल के, तो अभी हम लोग को कुछ और वक्त वेट करना पड़ेगा एक्चुअल वॉर देखने के लिए। बट हाँ, जिन्होंने मांगा पढ़ के रखी उनको ऑलरेडी पता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। एंड ये सब होने के बाद जब सीजन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, तब डेको को बिल्डिंग पे खड़ा देख कैसा लगता है कि गौतम का डार्क नाइट खड़ा है। बस इस चीज के लोग थीम को थोड़ा और चेंज करते, स्टार्टिंग से लाइट टोन में आते 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 डार्क टोन में उसको अगर रखते तब वो सीन और भी ज्यादा हिट होता था। क्योंकि जब मांगा को ब्लैक एंड व्हाइट में पढ़ रहा था तब वो सीन को देख के कुछ ज्यादा ही एपिक फीलिंग आती है, जो इससे उतनी नहीं आ रही थी मेरे को। सेम सीन था बस कलर का डिफरेंस, बट इसके बाद कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाता है, क्योंकि मस्कुलर और जो डेको की फाइट थी उस चीज के टाइम लोग उतना ज्यादा अच्छे से किए नहीं। कहा उसको थोड़ा और ज्यादा टाइम देके और ज्यादा अच्छे से लोग दिखाते, क्योंकि मांगा में जब ये सब कुछ हो रहा था तो काफी ज्यादा एपिक लेवल पे जा रहा था, पर इसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टार्ट होके खत्म हो गया, कहीं ना कहीं उतना ज्यादा अच्छे से इन लोगों ने नहीं दिखाया। इसका एनिमेशन पहले से भी और भी ज्यादा कमजोर है, ऐसा लगता है कि सीरीज से धीरे धीरे लोग बजट कम करते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट हाफ था उसके एनिमेशन तो काफी बेटर थे, बट अदर ऑफ द हाफ के टाइम थोड़ा लो लगता है एनिमेशन। एंड जहां हम लोग फर्स्ट ऑफ द हाफ में प्रो हीरोज का भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंस दिखाया जाता, उन लोग को भी काफी स्क्रीन टाइम उसे मिल रहा था, वहीं सेकंड हाफ में सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ डेकू मेन लीड में और बाकी सारे कैरेक्टर उतना नहीं है। और उसके बाद का सबसे बेकार चीज जो मुझे लगा था कि दोस्तों को वापस से रीयूनाइट होना और लास्ट के 2 एपिसोड बहुत मेहनत से निकले थे वो मेरे, कहीं ना कहीं इसके एंडिंग को इन लोगों ने वापस से गिरा दिया है। जहाँ सीजन एकदम हाइप में स्टार्ट होता है, एकदम धीरे धीरे वो लोग बिल्ड करते जाते हैं, वहीं वापस से हर एक माय हीरो एकेडमी के सीजन की तरह एंड में आती आते बॉटम हिट करने लगता है। एंड ये चीज की सबसे ज्यादा बेकार लगती है। और इन लोगों ने इसमें हीरो किलो को वापस से दिखाया सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। माय हीरो एकेडमी के अभी तक के जितने भी सारे कैरेक्टर दिखाए जा चुके उसमें से सबसे ज्यादा बैडएस कैरेक्टर हीरो किलर स्टेन, उसको सिर्फ कुछ सेकंड के दिखाया और उसको उतना ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं किया। अगर उसके कैरेक्टर को ही अकेले दिखाए तो हम लोग एक पनिशर टाइप का हीरो दिख सकता है, बट ना ये लोग ऐसा कुछ करते नहीं है, और ना ही आगे उसको उतना अच्छे से ये लोग यूटिलाइज करेंगे ना, और ना ही ये लोग उसे आगे दिखाएंगे। अगर क्यों उसको सिर्फ इतने छोटे स्क्रीन टाइम के लिए दिखाया, मेरी इस पे काफी ज्यादा मिक्स फीलिंग है। स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ तो काफी ज्यादा मजा आया, बट बाकी बचा जो सेकंड हाफ था उसके टाइम इतना मजा नहीं आया। और आप लोगों को ये सीजन कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना।